हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सोनू सूद सर की एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करने वाले हैं। यहाँ पे ग्रिड मेथड का यूज़ करके मैंने आउटलाइन बना लिया है और अभी चीप कलर पेंसिल का यूज़ करके इस पोर्ट्रेट को कंप्लीट करेंगे। मैं ज़्यादातर ड्राइंग इन दो कलर पेंसिल का यूज़ करके ही करता हूँ। आज भी ये कलर पेंसिल का यूज़ करके ही ड्रॉ करेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। कलर पेंसिल का यूज करने से पहले आउटलाइन को थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। मैंने 2B पेंसिल यूज़ किया है आउटलाइन के लिए, इसलिए थोड़ा सा डार्क हो गया है। आप HB पेंसिल का यूज़ कर सकते हो आउटलाइन के लिए। और कलर पेंसिल यूज़ करने से पहले पेंसिल को शार्प कर लेना ज़रूरी है। और यहाँ पे स्किन कलर के लिए मैं पेल ऑरेंज कलर का यूज़ करूँगा। और वेरी लाइट प्रेशर के साथ फर्स्ट लेयर को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। Like you, be strong, to hold the powers of the sun. फर्स्ट लेयर हो जाने के बाद यहाँ पे आईज ड्रॉ कर लेंगे। और जहाँ भी डार्क पोर्शन है वहाँ पे ब्राउन कलर का यूज़ करेंगे डार्क करने के लिए। ज़्यादा प्रेशर का यूज़ कभी नहीं करेंगे, ओनली लेयर बाय लेयर कलर को अप्लाई करते जाएंगे। बियर्ड और हेयर को ड्रॉ कर लेंगे। बियर्ड और हेयर के लिए आप फोटो को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना, फोटो पे देख लेना कि किस तरफ बियर्ड और हेयर का डायरेक्शन है। जिस तरफ भी डायरेक्शन होगा उसी तरफ स्ट्रोक लगाते जाएंगे। और यहाँ पे कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर पे अप्लाई करेंगे। डार्क पोर्शन पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर और हाइलाइटेड एरिया पे थोड़ा सा कम प्रेशर पे अप्लाई करेंगे।
मैंने यहाँ पे हाईलाइट के लिए मोनो जीरो इरेजर यूज़ कर रहा हूँ। इसका मतलब यही है कि कलर पेंसिल्स भी थोड़ा बहुत इरेजेबल होता है। डोम्स एंड फेवर क्रिस्टल कलर पेंसिल एक साथ यूज़ करके मुझे यही समझ में आया कि डोम्स कलर पेंसिल थोड़ा बहुत सॉफ्ट होता है। कलर क्वालिटी दोनों का ही बहुत ही अच्छा होता है और डोम्स 24 शेड्स का जो आता है वो 95 रुपीस में मिल जाता है और फेवर क्रिस्टल की जो 18 बाई कलर पेंसिल है उसका MRP है 220। दोनों का ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से परचेस कर सकते हो। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।